नमस्कार साथियों, मैं मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम GS में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं और वह टॉपिक्स है आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना। आर्थिक नियोजन कहो आप लोग या पंचवर्षीय योजना कहो, क्लियर। तो आज हम पंचवर्षीय योजना और आर्थिक नियोजन पर चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि आज मेरे क्लास में अगर आप इसको अच्छे से किए तो कभी भी पंचवर्षीय योजना से कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्लियर है। ये एक दो पार्ट में होगा भाई, ये लंबा है। 12 पंचवर्षीय योजना आज तक भारत में चलाए जा चुके हैं, तो ये पार्ट में होगा। आप लोग प्रत्येक पार्ट को एकदम अच्छे से देखें, कॉपी और पेन लेकर बैठें, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाएं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन जो है इसका जनक किसको कहा जाता है, इसका जनक किसको कहा जाता है। तो आंसर होगा सोवियत संघ को। किसको भाई? सोवियत संघ को। तो ये जो आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई वो किस देश में प्रारंभ हुआ? आंसर होगा सोवियत संघ, क्लियर है। और किसके समय में? तो स्टालिन के समय में, स्टालिन के समय में, क्लियर है। किसके समय में भाई? स्टालिन के समय में। ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो सोवियत संघ में चला था वो कब से कब? तो 1927 से 32, क्लियर। तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया या पंचवर्षीय योजना को किस देश ने प्रारंभ किया था, यह क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछे क्या आंसर देंगे आप लोग? सोवियत संघ। और उस समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? स्टालिन। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया? 1927 से लेकर 32 तक। तो यह हुआ रूस। अब एक बात याद रखिएगा आप लोग, भारत के संविधान में आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। किस सूची में भाई? समवर्ती सूची में रखा गया है, क्लियर। आइए अब ध्यान रखना है कि आर्थिक नियोजन का भारत में जनक किसको माना जाता है? आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजना के जनक किसको कहे जाते हैं, किसको माने जाते हैं? आंसर क्या होगा? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अब तक कितने पंचवर्षीय योजना लागू किए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। तो आप लोग को याद रखना है, भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू किए गए हैं। कितने? 12। और अब तो पंचवर्षीय योजना की कहानी ही खत्म हो चुकी है, तो इसके इतिहास को देखना है हम लोगों को। पंचवर्षीय योजना भारत में 12 पंचवर्षीय योजना, कितना? 12 पंचवर्षीय योजना लागू किए गए हैं। 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, 31 मार्च 2017 तक। तो अब अगर आप लोग से पूछे कि भारत में पहली बार या प्रथम पंचवर्षीय योजना
कब प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया? आप लोग का आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 1951। तो प्रथम प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1951 से और अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ 31 मार्च 2017 तक। क्लियर है भाई? चलिए, ये अब आप लोग को याद रखना है। अब एक बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना किसको कहा गया है? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना। क्लियर? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना गया है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग से पूछता है, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है? आंसर होगा तीसरा। फिर इसी तरह एक प्रश्न है कि सबसे सफल पंचवर्षीय योजना, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना, तो सबसे सफल पंचवर्षीय योजना जो है वो कौन है? तो आंसर होगा आठवां पंचवर्षीय योजना, आठवां या 8th पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? ये डायरेक्ट अब आप लोग याद कर लीजिए। पहला बात, आज तक कितने पंचवर्षीय योजना लागू किए गए हैं? तो 12। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 1951। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हो गई? 31 मार्च 2017। क्लियर है? आइए, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन है? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन है? तो आंसर होगा आप लोगों का आठवां पंचवर्षीय योजना। क्लियर है भाई? एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग को पता है कि भारत का वित्तीय वर्ष, भारत सरकार का वित्तीय वर्ष जो है, भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक चलता है। इसलिए पंचवर्षीय योजना भी 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ और 31 मार्च 2017 को जाकर 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों से। अभी भारत सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है अपने वित्तीय वर्ष को बदलने का और वित्तीय वर्ष को अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने की योजना है। तो भारत का पहला राज्य कौन है जो वित्तीय वर्ष को 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर चुका है? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें कि भारत का पहला कौन राज्य है जो वित्तीय वर्ष को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक घोषित कर दिया है। ये आप लोग प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में डालें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और नहीं बता पाएंगे तो फिर हम देखते हैं। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस 12 पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस 12 पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 बार योजना अवकाश रखे गए। कितने बार योजना अवकाश रखा गया? 3 बार। ये अगर अच्छे से आप याद कर लेते हैं तो अब आपको क्रम मिलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप लोग से प्रश्न पूछे कि आज तक कितने बार योजना अवकाश रखा गया, तो आंसर होगा आप लोग का 3 बार। कितने बार भाई? 3 बार। फर्स्ट देखिए, पहली बार 1966 से 1969, दूसरी बार 1978 से 1980। क्लियर है? आइए, तीसरी बार 1990 से 1992। तो ये योजना अवकाश हुआ, याद रखिएगा, कब से कब तक? तो 1
अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 2017 तक 3 बार योजना अवकाश रखे गए हैं। कितने बार? 3 बार। फर्स्ट कब से कब तक भाई? 1966 से 69, दूसरा 1978 से 1980 और तीसरा 1990 से 1992। कोई डाउट है? अगर ये 3 गैप याद है आपको, अवकाश याद है, तो अब पहली पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक का क्रम आप सही से कर पाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं है। तो याद क्या करना है आप लोगों को बताइए भाई? याद करना है योजना अवकाश कब से कब तक, बताइए। 1966 से 1969, 1978 से 1980 और 1990 से 1992। ये याद कर लें आप लोग। आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम योजना अवकाश, प्रथम योजना अवकाश, अब आप लोग कर पाएंगे क्या होगा भाई? 1966 से 69, 1966 से 69 प्रथम योजना अवकाश। दूसरे को कहा जाता है रॉलिंग प्लान। दूसरे योजना अवकाश को क्या कहा जाता है? रॉलिंग प्लान। क्लियर है? क्या कहा जाता है? रॉलिंग प्लान। अब आप बताइए कुल कितने वर्ष तक योजना अवकाश हुआ? तो याद रखिएगा 3 वर्ष, फिर 2 वर्ष और फिर 2 वर्ष। इस तरह से कुल मिलाकर 7 वर्षों तक योजना अवकाश रहा है। यह डायरेक्ट आप लोग से क्वेश्चन पूछ देगा कितने दिनों का योजना अवकाश रहा है, आप लोग क्या बोलेंगे? 7 वर्षों का। कितने बार रहा है? 3 बार रहा है भाई। समझ रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, जहां से प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, वही बात को सिर्फ हम बताने का प्रयास करते हैं। और ऐसा आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा अनुभव कर रहे होंगे, ये बहुत ही काम आएगा आपको आने वाले एग्जाम में। क्लियर है? अब आइए, अब हम लोग गौर करते हैं कि किसी भी पंचवर्षीय योजना को 4 पॉइंट के आधार पर हम लोगों को देखना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है। कितने पॉइंट के आधार पर? 4 पॉइंट। इस 4 पॉइंट से ही आप लोगों को प्रश्न बनेगा। तो अब है हम लोग फर्स्ट करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। कितना भाई? प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? 4 आधार। फर्स्ट आप लोग को याद रखना है इसका कार्यकाल। 4 पॉइंट को ही आप लोगों को अच्छे से करना है। दूसरा है आप लोगों का मॉडल, किस मॉडल पर आधारित है। तीसरा है इसका, जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा प्राथमिकताएं, प्राथमिकताएं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, एकदम सुपर डुपर हिट पॉइंट है प्राथमिकताएं। सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है, किस पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? और चौथा जो पॉइंट है वो है, अगर कोई विशेष घटना, विशेष कार्यक्रम, विशेष कार्य किए गए हैं तो इसको पढ़ना है हम लोग को। तो किसी पंचवर्षीय योजना को किस कितने पॉइंट के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे? 4, कार्यकाल, मॉडल, प्राथमिकताएं और विशेष। तो आइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56, कब से कब तक भाई? 1951 से 56। आइए मॉडल, ये भी कई बार आप लोग को पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थे। तो आंसर होगा हम लोगों का हेराल्ड, हेराल्ड डोमर मॉडल। किस मॉडल पर भाई? हेराल्ड डोमर मॉडल। तो बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, आप लोग का आंसर क्या होगा? हेराल्ड डोमर मॉडल। क्लियर है? आइए,
प्राथमिकताएं, तो आप लोग को पता ही है कि आजादी के समय भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका था? आंसर होगा कृषि का। किसका भाई? कृषि का। तो स्वाभाविक है कि हम लोग उसी को प्राथमिकता देंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता जो था वो था कृषि क्षेत्र। क्या था? कृषि क्षेत्र। कोई डाउट? आइए कार्यकाल बताइए। 1951 से 56। दूसरा मॉडल बताइए, हेराल्ड डोमर मॉडल। तीसरा प्राथमिकता बताइए, कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता। अब है कि क्या विशेष कार्य किए गए, इस पर ध्यान रखना है हम लोग को। विशेष कार्य, क्या विशेष कार्य किए गए? तो आप लोग को याद रखना है तीन। कितने? तीन बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ किया गया। तीन बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। फर्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया है? अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए क्या बोलेंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? आइए दूसरा, दामोदर घाटी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। यह भी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। और तीसरा है हीराकुंड, हीराकुंड बांध परियोजना। ये तीनों बहुउद्देशीय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया? अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे आप लोग क्या बोलेंगे भाई? आप लोग का आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्लियर? और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुआ है 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? यह भी क्वेश्चन कई बार आप लोग से पूछा गया है। 2 अक्टूबर 1952 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? आंसर क्या देंगे आप लोग? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्लियर है भाई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हम लोग कर लिए। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या समझ रहे हैं आप लोग? अब आप लोग गौर करके देखिएगा, कहीं भी कोई भी एग्जाम का आप लोग सेट बनाइए, इससे बाहर अगर प्रश्न रहता है तो आप कमेंट करके बताएं। उम्मीद है अब आप लोगों का पूरा समस्या का समाधान इस टॉपिक्स में हो जाएगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना फिर कितने पॉइंट पर अध्ययन करना है भाई? 4 पॉइंट पर। कौन कौन? कार्यकाल, दूसरा मॉडल, तीसरा प्राथमिकताएं और चौथा विशेष कार्य। क्लियर? आइए तो बताइए कार्यकाल क्या होगा? 1956 से 61। क्लियर है? तो बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक? तो 1951 से लेकर बताइए 1961 तक। क्लियर है? आइए मॉडल पीसी, महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? आंसर क्या देंगे हम लोग? पीसी महालनोबिस मॉडल। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन यहीं पर आप लोग याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस का 29 जून को जन्म है और इसी दिन हम लोग भारतीय सांख्यिकीय दिवस मनाते हैं। तो पीसी महालनोबिस का जन्मदिन कब है?
29 जून और इसी दिन हम लोग मनाते हैं भारतीय सांख्यिकीय दिवस। कौन दिवस? भारतीय सांख्यिकी दिवस या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्लियर है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, यह क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछे अब आप लोग कर पाएंगे। क्लियर? आइए, प्राथमिकता जो है यह है उद्योग क्षेत्र। प्राथमिकता किस क्षेत्र को दिया गया भाई? उद्योग क्षेत्र को। क्लियर है? किस क्षेत्र को? उद्योग क्षेत्र को। अब है विशेष कार्य क्या किए गए, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए विशेष कार्य पर ध्यान दीजिए आप लोग। अब आप लोग को पता ही है कि उद्योग पर विशेष बल दिया गया है, तो स्वाभाविक है उद्योग पर जब विशेष बल है तो औद्योगिक क्षेत्र में ही कोई ना कोई विशेष कार्य हुआ होगा। और आप लोग को पता है कि कोई भी उद्योग लौह इस्पात पर डिपेंड करता है, लौह इस्पात उसका आधारभूत संरचना है, तो इसलिए सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग पर जोर दिया गया। तो तीन, कितने भाई? तीन विशेष में, तीन सार्वजनिक क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखाना, लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने? तीन सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। फर्स्ट राउरकेला, पहला कौन है भाई? राउरकेला, पता ही आप लोग को कहां है? उड़ीसा। कहां है? उड़ीसा। दूसरा है भिलाई। भिलाई कहां है? तो अब छत्तीसगढ़ में। और तीसरा है दुर्गापुर, और ये कहां है? तो ये होगा पश्चिम बंगाल। तो तीन सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात उद्योग की या लौह इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? अब यहां से जो एक प्रश्न पूछता है कि राउरकेला में जो इस्पात कारखाना स्थापित किया गया ये किसके सहयोग से? तो पश्चिम जर्मनी के सहयोग से। क्लियर है? या फिर कह सकते हैं जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी ही कहिए ज्यादा अच्छा होगा, जर्मनी के सहयोग से। भिलाई वाला सोवियत संघ, या फिर अभी हम लोग कह सकते हैं रूस। क्लियर? और दुर्गापुर वाला ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से भाई? ब्रिटेन के सहयोग से। तो सार्वजनिक क्षेत्र के तीन इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान और किस किस इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाता है, ये को किया गया है, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, बता देंगे अब आप लोग। चलिए अगला आप लोग को ध्यान रखना है, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1959 बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर भारत में पंचायती राज योजना का उद्घाटन किया गया कहां भाई? तो याद रखिएगा आप लोग, राजस्थान के किस स्टेट में? राजस्थान, नागौर जिला। कौन जिला? नागौर जिला। और अगर गांव पूछ दे कि किस गांव से इसको स्थापित किया गया था, तो आप लोग का आंसर होगा बगदरी गांव से। क्लियर? तो अब बताइए, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज योजना का उद्घाटन किया गया कहां? राजस्थान में। किस डिस्ट्रिक्ट में? नागौर जिला में। किस गांव में? बगदरी गांव में।
क्लियर। और किनके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्लियर है? किनके द्वारा भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कोई डाउट है? चलिए अगला जो विशेष कार्य हुआ उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान एक और विशेष कार्य किया गया, वह है द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा। द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा, किस नीति की घोषणा भाई? द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा, द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा, यह भी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तो आप लोग का आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कब भाई? 1956। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, इसी कारण से द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भारत का, किसका भाई? भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है, भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। तो द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसलिए इसको जो है भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। तो आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, किस पंचवर्षीय योजना को जो है भारत का आर्थिक संविधान घोषित किया गया है, आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग का आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन भाई? तीसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इस पार्ट में हम लोग तीन पंचवर्षीय योजना को करेंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन योजना भाई? तीसरी पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? कार्यकाल। क्लियर? तो यह है 1961 से लेकर 66 तक। आइए मॉडल, किस मॉडल पर आधारित है? तो आंसर होगा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। किस मॉडल पर भाई? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। अब है प्राथमिकताएं, प्राथमिकताएं तो कृषि एवं उद्योग, दोनों कृषि एवं उद्योग दोनों पर फोकस किया गया प्राथमिकताएं। अब आइए विशेष, क्या विशेष कार्य किए गए तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान? क्लियर? तो सबसे पहला देखिए, एक सात 1964, 1764 को आईडीबीआई की स्थापना, किसकी स्थापना? आईडीबीआई की स्थापना। 1764, तो 1 जुलाई 1964 को किसकी स्थापना की गई? आईडीबीआई की स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो अगर अब आप लोग से पूछा जाए कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, क्या बोलेंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? अगला देखिए आप लोग, 1965 में, कब?
1965 में झारखंड के बोकारो में सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखाना की स्थापना। तो ये याद रखना है आप लोग को, झारखंड बोकारो में सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखाने की स्थापना कब की गई? 1965। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसके सहयोग से? तो याद रखना है रूस के सहयोग से। ये झारखंड के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछने की संभावना है भाई। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 1965 में एफसीआई की स्थापना। तो 1965 में एफसीआई भारतीय खाद्य निगम, की स्थापना कब की गई? 1965। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कोई डाउट? आइए अगला देखते हैं हम लोग। 1965 में ही स्थापित किया गया एपीसी। क्या स्थापित किया गया? एपीसी। एपीसी को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? कृषि कीमत आयोग। किस लिए स्थापित किया गया? एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीफ फसल और खाद्य फसल का जारी करने के लिए पहली बार क्या स्थापित किया गया? एपीसी, भारतीय कीमत आयोग। इसका काम क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना। यह भी कब स्थापित किया गया? 1965। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब ध्यान रखिएगा, एपीसी का 1985 में नाम बदल दिया गया, 1985 में नाम बदल कर दिया गया सीएसीपी। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कृषि कीमत एवं मूल्य आयोग। वर्तमान में यही अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। तो अभी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करने वाली भारत में संस्था है उसका नाम क्या है? कृषि कीमत एवं मूल्य आयोग। ये किसका बदला हुआ नाम है? तो कृषि कीमत आयोग का। ये कब स्थापित हुआ? 1965 में। इसका नाम कब बदला गया? 1985। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन पर भी ध्यान रखना है हम लोग को। अगला जो है अब आप लोगों को जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, वो ये है कि ये पंचवर्षीय योजना सबसे विफल योजना मानी जाती है। तो सबसे असफल या विफल योजना किस पंचवर्षीय योजना को हम लोग मानते हैं या माना गया है या माना जाता है? आंसर क्या होगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? क्या आंसर होगा? सर्वाधिक असफल योजना। तो सर्वाधिक असफल योजना किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? आंसर क्या देंगे हम लोग? तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? आइए अब एक प्रश्न यहां पर आप लोग को बताते हैं। आमतौर पर यह किताब में मिलता नहीं है, तो आखिर में क्या वजह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गया? तो तीन महत्वपूर्ण वजह है। एक है 1962 में भारत चीन युद्ध। क्लियर है? दूसरा है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और तीसरा है 1965 में एक भीषण अकाल भारत में पड़ा।
ये तीन वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। तो अगर आज के बाद आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब असफल, मतलब किस कारण से असफल रही, तो तीन कारण, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और देश में एक बड़ा अकाल पड़ना, और अकाल से ही बचने के लिए FCI की स्थापना की गई थी। क्लियर है? तो चलिए मित्रों, इस वीडियो में हम आप लोग को तीन पंचवर्षीय योजना और उसके कुछ मुख्य तथ्य पर जोर देकर बताए हैं। उम्मीद है ये आप लोगों के लिए काफी परीक्षोपयोगी होगा, और ये आपका पार्ट फर्स्ट हुआ। आगे अगले पार्ट में हम देखते हैं, वो आगे बढ़ाएंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना, योजना अवकाश वगैरह, और देखते हैं कितना कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये आप लोग के लिए काफी परीक्षोपयोगी होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, तो इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें भाई, अगर पुराने हैं तो बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की सूचना तत्काल प्राप्त हो जाए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें अपने मित्रों में। अगर एक मित्र 10 लोगों को भी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम लोगों का भी हिम्मत बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है कुछ बेहतर करने के लिए, और मेहनत कर रहे हैं, आगे और किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।